ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग के पिता ने झूठा केस दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बदले की भावना से केस दर्ज कराया था, लेकिन अब इस केस की वापसी को पहलवान विनेश फोगाट ने शक जताते हुए कहा कि कहीं किसी डर या भय की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। विनेश फोगाट ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि क्या डर और भय के इस माहौल में बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। क्या डर की वजह से नाबालिग ने केस वापस लिया? पहलवान विनेश फोगाट ने किस डर का जिक्र किया? क्या ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई अब कमजोर पड़ जाएगी? जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पिछले 4.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी पहलवानों का आंदोलन जिस एक केस की बुनियाद पर खड़ा था वो कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ब्रजभूषण के खिलाफ जिस नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था वो झूठा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के माने तो ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान के पिता ने दावा किया कि उन्होंने ब्रजभूषण पर झूठा केस दर्ज कराया था, लेकिन अब आंदोलन के 3 बड़े चेहरों में से एक विनेश फोगाट नाबालिग की केस वापसी पर एक के बाद एक ट्वीट कर हलचल मचा रही हैं। विनेश ने आरोप लगाया है कि नाबालिग के पिता ने किसी डर की वजह से ये केस वापस लिया है। विनेश ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। विनेश ने अपने पहले ट्वीट में डर का जिक्र किया तो अगले ट्वीट में इंसाफ मिलने में हो रही देरी पर सवाल उठाया। विनेश ने लिखा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाएं। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। विनेश फोगाट ने ये ट्वीट क्यों किया वो आपको बताते हैं। पीटीआई के मुताबिक नाबालिग लड़की के पिता ने कहा है कि उन्होंने ब्रजभूषण से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था। बदले की भावना में मैंने ब्रजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई। अब गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच सभी के सामने आ जाए, अदालत में नहीं। सवाल है, आखिर नाबालिग के पिता ने झूठा केस दर्ज ही क्यों करवाया और अब वो क्यों इसे सबके सामने कह रहे हैं? तो पीटीआई के मुताबिक नाबालिग पहलवान के पिता ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल हुए ट्रायल में मेरी बेटी की हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए ही मैंने सच बोलने का फैसला किया है। ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला मेरा था, मेरी बेटी का नहीं। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, ये मेरा फैसला था। मैं पिता हूँ और मैं उस पर नाराज था। मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसने कहा कि पापा आप देख लो। पीटीआई से बातचीत में नाबालिग के पिता ने अपनी और अपनी बेटी की ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाराजगी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, कड़वाहट की शुरुआत लखनऊ में 2022 में एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल से हुई थी। मुकाबले में नाबालिग पहलवान फाइनल में हारकर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी। उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए ब्रजभूषण को जिम्मेदार माना। नाबालिग के पिता ने पीटीआई से कहा, मैं बदले की भावना से भर गया था, क्योंकि रेफरी के एक फैसले से मेरी बच्ची की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई। मैंने बदला लेने का फैसला किया। नाबालिग पहलवान के पिता का यह बयान इस केस में बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की जो 2 FIR दर्ज हुई हैं, उनमें पॉक्सो के तहत दर्ज FIR सबसे गंभीर और मजबूत थी, जिसके आधार पर ही पहलवान ब्रजभूषण की फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जब मीडिया में नाबालिग के पिता का बयान सामने आ गया है, उन्होंने झूठा केस दर्ज कराने की बात कही है, तो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों का ये केस कमजोर पड़ता दिख रहा है। इस मामले में ब्रजभूषण ने कहा कि उनके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, वो तो पहले से ही कह रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।